निगम द्वारा बीते दिनों पाटनीपुरा चौराहे से अस्थायी सब्जी और फल व्यापारियों की दुकान हटाने के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है। बीते दो दिनों की कार्यवाही के बाद आज फल सब्जी व्यापारी धरने पर बैठ गए हैं। शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में स्थित पाटनीपुरा में करीब 40 साल से फल सब्जी की दुकान है सड़क पर लग रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर इंदौर नगर निगम के कमिश्नर आशीष सिंह के आदेश पर पाटनीपुरा से भमोरी की ओर लगने वाली सब्जी व फल की दुकानों पर कार्यवाही करते हुए सभी को निगम ने वहाँ से हटा दिया, जिसके बाद कल भी कार्यवाही के दौरान लोगों में निगम के प्रति रोष व्याप्त था। तो वहीं आज सुबह से भी फल सब्जी की सैकड़ों व्यापारी आज अपने परिवार सहित धरने पर बैठ गए। दुकानदारों का कहना है कि निगम की इस कार्यवाही से करीब 300 से 400 परिवार प्रभावित हुए हैं और वे सड़क पर आ गए हैं। यदि प्रशासन उन्हें दुकान नहीं लगाने देगा तो वहीं इस तरह मौन धारण कर धरने पर बैठे रहेंगे। अब हम 40 साल से सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पर पाटनीपुरा पे, मतलब हमारे को एकदम से हटा दिया यहाँ पर। कुछ नहीं दिया, मतलब पीछे करने आ गए थे कुछ यहाँ पाटनीपुरा पे, मतलब एकदम से चालू कर दिया हटाना एकदम। और आज तीन दिन हो गए, आज ये चौथा दिन चल रहा, चौथे दिन से सारे के सारे, मतलब आज कम से कम 150 लोग हैं यहाँ सब्जी बेचने वाले सारे, और कम से कम 400 लोगों का परिवार, मतलब आज ऐसे कैसे बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सब बैठे खाली। यहाँ कम से कम 40 वर्षों से हम यहाँ सब्जी का व्यवसाय कर रहे थे, ना कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं आया हमारे यहाँ भाई। हम मौन धारणा कर रहे हैं आज की, मतलब प्रशासन हमारी बात सुने, कम से कम हमारे को पीछे फुटपाथ पे जगह दिया है, थोड़ी थोड़ी सी जगह देके कम से कम हमारा व्यापार करे, हमारे बच्चों का कम से कम पालन पोषण तो करे कम से कम। नहीं कोई परमिशन नहीं, अभी तक अभी से हमने कोई परमिशन नहीं ली यहाँ पे, खाली मौन धारण करके हम बैठे हैं यहाँ पर। हमारे अगर नहीं मांगे पूरी करी तो हमारी रूपरेखा यही रहेगी कि आगे हम ऐसे ही मौन धारण करके हमारी जो भी बात है, मतलब सारे प्रशासन हमारी बात सुने।